मेरा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को ठिकर दे रहे हो, और दोनों पार्टी का यही हाल है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल गिर रहा है, सब मिलके ना पैसा लिया है हो, सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया। 8% राजकुमार पैसा लेता है कंसल्टेंसी। यदि 1000 करोड़ का पुल होगा तो 100 करोड़ राजकुमार का जाएगा। पहले पुल निगम में आया, उसके बाद बिजली में आया, उसके बाद स्वास्थ्य में भी राजकुमार आ गया। वो टेंडर राजकुमार तय करेगा कौन टेंडर किस तरह बनेगा, किसको मिलेगा। 25-30-40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है। तुम्हारा गुंडा गुंडा मेरा गुंडा साधु, ऐसा हम नहीं पप्पू यादव कह रहे हैं। आपको बता दे, पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है, आज पटना पहुंचे हैं। और पटना पहुंचते ही पक्ष और विपक्ष पे दोनों पे भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि आप जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुल जब गिरता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों पैसा लेती है। 8% पैसा लिया जाता है, वो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या पुल निगम हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ पे वसूली की जाती है। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, पहले अपन के बयानों को सुने। भैया मेरा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। पब्लिक इसमें क्यों पीछे जा रहा है भैया? मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा गुंडा। और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को ठिकर दे रहे हो, और दोनों पार्टी का यही हाल है, और दोनों परिस्थिति यही पर है। अब मैं तुम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आदमी की एक ही साथ सरकार थी, अब बाद में तो आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि बम पटक रहा है हाजीपुर में, तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्यों आम आदमी परेशान है? ये तो है ही, 25-30-40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है, और बिहार की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। बिहार राजनीति कारण से चक्की में पीस रहे हैं। इन लोगों के पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल मैं तुम के कारण बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। इन लोगों के मिली भगत से सबका बर्बाद हो रहा है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल गिर रहा है, सब मिलके ना पैसा लिया है हो, सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया, सब मिल करके पैसा लिया है सिंगला से। ये राजकुमार कौन है कंसल्टेंसी? 8% राजकुमार पैसा लेता है कंसल्टेंसी। यदि 1000 करोड़ का पुल होगा तो 100 करोड़ राजकुमार का जाएगा। पहले पुल निगम में आया, उसके बाद बिजली में आया, उसके बाद स्वास्थ्य में भी राजकुमार आ गया। वो टेंडर राजकुमार तय करेगा कौन टेंडर किस तरह बनेगा, किसको मिलेगा। कौन है ये राजकुमार? हमने चिट्ठी पीएम को लिखा है और पुल निगम के बारे में भी लिखा है। ये पूरे बिहार के दुर्दशा को करने में इन सभी लोगों की भूमिका है, और एक दूसरे को जबरदस्ती राजनीति करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अनंत सिंह को भी रिहा कर दिया गया है। चलिए इस सब बात को लेकर एक सवाल है, ये ठीक नहीं है, और लोक जनशक्ति रामविलास इसका विरोध करने वाले लोग पिछड़ा। देखिए इसमें दो बात समझिए, जो मैंने समझा इसको मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग जीनियस स्टूडेंट होंगे, प्रतिभावान होंगे, और मिडिल क्लास और गरीब परिवार से होगा, जिसके पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, कोई पैरवी नहीं होगी, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां वो जा करके कोई हाईली पढ़ाई करे और एग्ज़ाम दे बैक दरवाजे से आ जाए, तो इससे सही चिराग जी ने कहा है, या कोई भी व्यक्ति, जैसे 21 तारीख को कुछ संगठन बंद का भी कॉल दिए हैं लगातार, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय क्रिमिलियर का भी आया, वह पॉलिसी भी बिल्कुल गलत, वह बात भी बिल्कुल गलत, और जो अभी यह निर्णय गठबंधन धर्म से अलग, बिना गठबंधन धर्म के आप बात किए हुए, आपने सपोर्ट लिया है, सबसे सरकार बना रहे हैं,
और सरकार बनाने के बाद कोई बड़ी पॉलिसी जो उससे गरीब के बच्चे, आम बच्चे, प्रतिभावान बच्चे प्रभावित होंगे, इस पर ना कोई चर्चा होती है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा संगठन या बड़ा परिवार या बड़ा पूंजीपति उद्योगपतियों के इशारे पर बार बार ऐसे निर्णय होते जा रहे हैं। तो सही लेटरल एंट्री की जो बात आई बैक दरवाजे से, वो बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जो प्रोसेस पहले से है यूपीएससी बीपीएससी के मामले में, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हों, उसको रखना चाहिए। न्यू जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। यही तो कल बात हो ही गई, हम बोल ही दिए हैं भैया, एक घटना थोड़ी है। मैंने पहले भी कहा है कि जो घटना अभी कलकत्ता में हुआ या जो लगातार घटना हो रही है, कलकत्ता में बलात्कार की घटना कम है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो छुट्टी पर चले गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका वहाँ कई डॉक्टर से मिलकर और ड्रग्स माफिया से मिलकर लगातार नकली ड्रग्स और गलत ड्रग्स को बाहर से ही, जो अस्पताल के लिए ड्रग्स आते थे वह बाहर से ही उसको बेच दिया जाता था, उसको अस्पताल आने का कोई इजाज़त ही नहीं था। तो यह लड़की जो डॉक्टर थी लगातार डेढ़ महीने से विरोध कर रहा था, सिग्नेचर नहीं किया, डेढ़ महीना से लगातार विरोध चल रहा था। तो और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि यदि आप इस तरीके की चीज़ों को नहीं रोकिएगा तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो सुपरिटेंडेंट और ये पांच डॉक्टर और दो माफिया, ये सातों मिलकर के उस बहन, उस बेटी डॉक्टर को मारते मारते मार दिया, कहीं अन्य जगह ले जाकर सातों। और मारने के बाद उन्होंने होमगार्ड को जबरदस्ती दारू पिलाया और मरने के बाद होमगार्ड को लड़की के पास भेजा। उसके बाद मरने के बाद उसके साथ कहा गया, या ऐसा रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है, अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ग्राम है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो इंटरनल बात आई है यही है कि इसमें पांच डॉक्टर, दो माफिया, सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स रैकेट के कारण उनकी मौत हुई है और बुरे तरीके से मारा गया है। अविलंब फांसी हो, कोई भी बलात्कार में रक्षाबंधन है और लगातार जो हमले हो रहे हैं बेटियों पर, इसके लिए एक सशक्त कानून बने और डेढ़ महीने के अंदर गवाही गुजरवा करके इसको अविलंब फांसी की सजा दी। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। अब भैया आप सबका प्रवक्ता हम हैं, क्या बोलते रहते हैं भैया, किसी के बारे में हम बोलते हैं? अपराध को लेकर कहीं ना कहीं भैया हम बोल चुके हैं, विपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग दोनों लोग पूरे देश में है 10 बजे से 4 बजे, 11 बजे 10 बजे से 4 बजे, बिहार में है 10 बजे से 5 बजे, तो कहे है प्रताड़ित तो होंगे, क्यों है? ये गलत फरमान है और इसको रोक लगाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से, 10 से 4 ही का प्रावधान शिक्षक का हो, शिक्षक को मेंटली, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह की परेशानी हो रही है। पुराने पेंशन की मांग कर रहे हैं, एकदम मांग करेंगे, पुराना पेंशन तो हम लोग का डिमांड है, लागू होना चाहिए पुराना पेंशन। तो आपने साफ तौर पे सुना, पप्पू यादव तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आपको बता दे, बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर भी तेजस्वी यादव पर खूब भड़क गए, कह रहे हैं कि जिस तरह से पक्ष विपक्ष राजनीति कर रही है, ऐसे में बिहार की जनता पीस रही है, बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग गुंडा गुंडा खेल रहे हैं, लेकिन बिहार में अपराध बढ़ रहा है। बहरहाल इसको इतना ही, इसे तमाम खबरों के बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया,
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।